हम बात कर रहे हैं मैक्सेंस फार्मा की। आज के दिन की बात करें तो मैक्सेंस फार्मा में हमको बड़ा अपसाइड, बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। ऑलमोस्ट 7% तक के अपसाइड फिलहाल हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। हम देख सकते हैं इस अपसाइड के साथ स्टॉक जो है 202.28 पैसे पर फिलहाल ट्रेड करता नज़र आ रहा है। जब स्टॉक ने 200 के लेवल को ब्रेकआउट किया था, उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि 200 के ऊपर सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट है लगातार तेज़ी के लिए, लेकिन स्टॉक ने ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन के बाद अब भी हमने वीडियो बनाई थी, उस वक्त हमारा फिर डिस्कस हुआ था कि 180 के ऊपर सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट रहेगा मैक्सेंस फार्मा को 200 के लेवल को ब्रेकआउट के लिए। हम देख सकते हैं रिजेक्शन के बाद बड़ी गिरावट नहीं आई, 190 के लेवल पर ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया, जंप आया 200 तक का, गिरावट आई तो लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, अगेन जंप के साथ हाई ब्रेकआउट होता नज़र आ रहा है। अब मैक्सेंस फार्मा के अगर चार्ट को भी देखें तो लगातार हमको अप ट्रेंड ही यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है। यानी स्टॉक एक चैनल में, एक ट्रेंड लाइन में काम कर रहा है। यहाँ से जंप के साथ इस हाई के ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ से मैक्सेंस फार्मा और अपसाइड दिखाता नज़र आ सकता है। अब जिस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया 200 का लेवल, इमीडिएट सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, तगड़ा सपोर्ट है। ब्रेकडाउन कर जाता है तो ऐसे कंडीशन में फिर 190 नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। अब स्टॉक 200 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। हम देख सकते हैं इससे पहले जहां से रिजेक्शन किया था सेम लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने के लिए मिली है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है, लगातार अप ट्रेंड दिखा रहा है। ट्रेंड पॉजिटिव है तो यहाँ से और अपसाइड स्टॉक दिखा सकता है। तो इमीडिएट टारगेट 208-210 का लेवल रहेगा, 210 का लेवल, और इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद 220 तक का जंप मैक्सेंस फार्मा दिखा सकता है। ये फिर 220 का जो लेवल है मैक्सेंस फार्मा के लिए मेजर रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। यहाँ तक के टारगेट हमको अब शॉर्ट टर्म में ही देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।